Hey guys, welcome back to another episode of Pokemon Heart Gold. तो guys, last episode में हम लोग थोड़े से training कर रहे थे. Actually, last episode में हम लोगों ने Ho-Ho को catch कर लिया था, legendary Pokemon. And then उसके बाद हम लोग आज के episode में Victory Road को challenge करेंगे. लेकिन उससे पहले मैंने मेरे team में थोड़े से changes तो नहीं किए, but हाँ, grinding कर लिया है. एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, रॉक्सी 44 लेवल की है एंड जो हमारी मसल है वो भी 46 लेवल की है. बिकॉज आप लोगों ने मेरे को बोल दिया था कि रॉक्सी लेवल 45 पे इवॉल्व हो जाएगी और मसल लेवल 47 पे. तो आई गेस मोस्ट प्रॉबली आज के एपिसोड में वो दोनों इवॉल्व हो जाएंगे. लेकिन उससे पहले हम लोगों को हमारी टीम में एक चेंजेस करना है. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइज, आज इस गेम में है फ्राइडे. एंड गाइज आपको एक मैं पोकेमॉन एक्चुअली हम मेरी टीम में एक पोकेमॉन लेने वाला हूँ. उसके लिए हम लोगों को एक चेंजेस करना है टीम में. मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मैं एक वाटर टाइप पोकेमॉन मेरे टीम में ऐड करना चाहता हूँ जो कि एक पोकेमॉन होने वाला है. मैं आपको बताता हूँ, एंड वो पोकेमॉन बस आपको फ्राइडे को मिलेगा. तो अगर आप उस पोकेमॉन को कैच करना चाहते हो तो मेक श्योर या तो आप रियल फ्राइडे में जाओ या तो आप लोग गेम में थोड़ा सा डेट वगैरह चेंज करके फ्राइडे करके जाना. लेकिन उसके लिए हम लोगों को इन्फर्नो को डिपॉजिट करना पड़ेगा. मैंने यही डिसाइड किया कि इन्फर्नो को मैं फ़िलहाल के लिए यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज मेरे पास फायर स्टोन की लोकेशन नहीं है. एंड फायर स्टोन की लोकेशन ना होने के कारण वो इवॉल्व ही नहीं हो रहा है. एंड वो इवॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए वो थोड़ा सा वीक पोकेमॉन है. एंड वैसे भी आई डोंट थिंक फायर टाइप मुझे इलीट फोर में कोई ज़्यादा काम आने वाली है. उल्टा मेरे को वाटर टाइप पोकेमॉन ज़्यादा काम आ सकता है. एंड ये जो पोकेमॉन जो अभी मैं लेने वाला हूँ ना वो मुझे काफ़ी काम आएगा. लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक बार सर्व सिखाना पड़ेगा. फिर एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं हमारी टीम में ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए. तो या फिर किसी एक पोकेमॉन को हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए. ओके, ये परमानेंट नहीं है, डोंट वरी. अभी हम लोगों को बस एक काम करना है, याद रखना अगर आपको ये पोकेमॉन पकड़ना है तो मेक श्योर आप लोग बस फ्राइडे को ही पकड़ सकते हो. ये पोकेमॉन सिर्फ फ्राइडे को अवेलेबल है. एंड वेट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वेट. सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से उड़ के जाना है क्योंकि मेरे पास पोकेबॉल्स की कमी है. तो ऑब्वियसली बात है मैं जाऊँगा गोल्डन रॉड सिटी, वहाँ पे ही हमारा जो काइंड ऑफ शॉपिंग सेंटर है पोकेमॉन का. तो वहाँ पे पहले जाके थोड़े से शॉपिंग करते हैं एंड देन उसके बाद आई गेस हम लोग जाएंगे उस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए. एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो एक काफ़ी वेल नोन पोकेमॉन है. आप लोग उस पोकेमॉन को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे. कुछ लोगों को पता भी चल गया रहेगा जब मैंने फ्राइडे का नाम लिया था, मतलब वो पोकेमॉन बस फ्राइडे को अवेलेबल है. तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस हीलिंग आइटम है आई गेस. पोकेबॉल ऊपर मिलेंगे मेरे को ये वाले अंकल के पास. अल्ट्रा बॉल चाहिए बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी 9 अल्ट्रा बॉल्स है. तो हम लोग और 8 ले लेंगे बिकॉज पता नहीं अगर वो थोड़ा नखरा किया तो. एस्केप रोप मेरे पास एक ही है तो मेक श्योर मैं 5 लेके कैरी करके चलूँगा बिकॉज एस्केप रोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वेट वेट, रिपेल की भी ज़रूरत है गाइज. मैक्स रिपेल कितने हैं, 17 है ऑलरेडी. और 5 ले लेता हूँ, पैसों की कमी नहीं है गेम में. ओके आई गेस आई एम गुड टू गो. चलो नीचे जाएंगे. अभी हम लोगों को जाना है गाइज यूनियन केव में. मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे. तो सबसे पहले इसी से यूज़ करेंगे फ्लाई एंड देन चेरी ग्रोव सिटी जा सकते हो आप लोग. चेरी ग्रोव सिटी से हम लोगों को चेरी ग्रोव नहीं सिटी आई गेस एजेलिया टाउन जाना है मुझे. ओके, चेरी ग्रोव सिटी नहीं, एजेलिया टाउन. एंड देन यहाँ से हम लोगों को करना है बाइसिकल पे ट्रैवल. मतलब नेसेसरी नहीं है बाइसिकल पे ट्रैवल करना, वो तो आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हो. एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे यूनियन केव में, ये वाली यूनियन केव में. मेक श्योर गाइज आप लोग ये बस फ्राइडे को करना बिकॉज फ्राइडे के बाद आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब फ्राइडे को ही ये पोकेमॉन अवेलेबल है. फ़िलहाल मैं मैक्स रिपेल यूज़ कर लेता हूँ एंड लेट्स गो. मैं आपको दिखाता हूँ वैसे आपको करना है. एंड प्लस आप लोगों को एक सर्फ करने वाला पोकेमॉन भी लगेगा अगर आपको ये पोकेमॉन को कैच करना है तो. एंड ये मेरे टीम में परमानेंट पोकेमॉन होने वाला है जो कि मैं सर्फ के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ आने वाले टाइम में, जो कि अच्छी बात हो जाएगी. तो यहाँ पे बैटल आ रही है तो मैं ऑब्वियसली बात है स्किप करूँगा, मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन ट्रेनिंग करके रखी है. ओके ओ डैम, बच गया मैं. मेरे को लगा मैं फिर से बैटल करूँगा इसके साथ बट नहीं. यहाँ पे एक और बार हम लोगों को सर्फ यूज़ करना है एंड आई गेस हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं. I
आई गेस यही पे किधर तो है वो पोकेमोन। नहीं यहाँ पे नहीं है, वेट इधर ही तो था पक्का, आज फ्राइडे ही तो है। तो फिर वो पोकेमोन कहाँ पे गया? वेट यहाँ पे भी नहीं है, आई गेस यहाँ पे है वो पोकेमोन। नहीं यार यहाँ पे भी नहीं है, वेट क्या मैं गलत तो नहीं आ गया? वेट वेट वेट, मेरे को उस पोकेबॉल में क्या है वो जानने का जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके ओके मेरे को पता चल गया, मैं एक और बार मैक्स रिपेल यूज़ कर, नहीं इस बार मैक्स रिपेल नहीं, इस बार छोटा सा रिपेल यूज़ करते हैं बिकॉज वो जल्दी भी ख़त्म होगा। तो अभी मैं ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ उस पोकेमोन से, सो दैट्स वाई। ओके मेरे को इस बंदे के साथ बैटल करनी ही पड़ेगी। सो अगर मेरे को बैटल करनी है तो ऑब्वियसली बात है मैं मेरे रॉक्सी के साथ बैटल करूँगा बिकॉज फिर वो इवॉल्व भी हो सकती है ना, एंड अगर ये समझ लो डबल बैटल करेगा तो मैं मसल को भी यूज़ करूँगा। इफ़ द पोकेमोन आई लाइक वेयर देयर आई वुड गो एनी वेयर, ओके दैट्स वॉट अ रियल ट्रेनर डज, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया ऑब्वियसली बात है। ओके एक पॉलीवर्ल, ओके आई गेस, वेट मैं रन क्यों कर रहा हूँ? अरे मैं रन क्यों कर रहा हूँ? मेरा ऊपर वाला बटन जो इससे काम ही नहीं कर रही थी। ओके आज को यूज़ करके इसको ख़त्म कर देंगे। ओके अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सर्व करेंगे एंड वेट मेरा ये खड़ा है ना स्टार्टिंग में, मैं पोकेमोन पहले चेंज कर लेता हूँ बिकॉज हाँ चलो कोई बात नहीं, आई गेस रॉक्सी तू संभाल लेगी। गाइज मैं इसकी बात कर रहा था गाइज, लैप्रास। वेट मैं यहाँ पे थंबनेल ले लेता हूँ। ओके तो चलो हम लोग अभी कैच करेंगे एक लैप्रास को मेरी टीम में, मैं ऐड करने वाला हूँ। ये काफ़ी अच्छा वाटर टाइप पोकेमोन है और ये भी फीमेल है। ओके हमारी टीम में मोस्ट ऑफ द पोकेमोन्स फीमेल ही है, बट या कोई बात नहीं हम लोग यूज़ करेंगे। अबे नहीं यार मैं कोई भी अटैक यूज़ करूँगा तो ये फेंट हो जाएगा सबसे पहले तो मेरे को। ओ डैम नहीं, वेट गाइज वेट। ओके गाइज हम लोग फिर से आ चुके हैं, मैंने ये फिर से सब कुछ रिटर्न किया है बिकॉज मेरे से गलती से वो पोकेमोन रन हो गया था एंड आपको पता नहीं वो पोकेमोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो या मैं उस पोकेमोन को पकड़ने के लिए ये फिर सब कर सकता हूँ, मेरे से गलती हो गई थी, नेवर माइंड। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे सर्व करेंगे एंड इस बार मैं पहले रोज़ी को स्टार्ट करूँगा, रोज़ी को रखूँगा यहाँ पे बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो फिर से चला जाए। एंड या चलो इसको फिर से पकड़ेंगे, होपफुली ये अभी आ जाए, कोई नखरा ना करे ये पोकेमोन, मतलब इसने पहले भी नहीं किया था, मेरे से गलती से ये हो गया था। एंड इस बार हमारा लैप्रास मेल है। ओके अब ये मत बोलना कि वो लड़की थी इसलिए मैंने रन किया, मैं सच बता रहा हूँ वो गलती से हो गया मेरे से। बैठा इसको पहले हम लोगों को करना है थंडर वेव से पैरालाइज। ओके इसके पास एक आइस शार्ड मूव है जो कि हमेशा फर्स्ट हिट करता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, वो मेरे को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं करेगा। बट मेरे को अभी क्वेश्चन ये है गाइस कि मैं इसको हराऊँ कैसे? वेट मैं एक ट्राई कर सकता हूँ, मेरे पास कोई वीक हमला है अभी कि नहीं? आई डोंट थिंक मेरे पास कोई वीक हमला है, मैं ट्राई कर सकता हूँ इसके साथ यूज़ करने का। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ही कर देता हूँ, इसको सुलाने के ट्राई क्यों कर रहा हूँ मैं? वेट ऑब्वियसली बात है यूज़ नेक्स्ट पोकेमोन। मैं ट्राई करता हूँ इसको कैच करने का, प्लीज़ ब्रो आ जा प्लीज़। ओके वन शॉट किल में तो तू आने नहीं वाला। ओके ओ डैम लैप्रास मैंने पकड़ लिया सीरियसली। ओके ट्रांसपोर्ट पोकेमोन दे हैव जेंटल हार्ट्स बिकॉज दे रियरली फाइट, मैनी हैव बीन कॉट, देयर नंबर हैज ड्विलेंड। ओके ड्विडलैंड ओके ऑब्वियसली बात है मैं निकनेम दूंगा मेरे पोकेमोन को, ये वाला मेल है, लास्ट टाइम वाली फीमेल थी बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से रन हो गई थी तो मेरे को फिर से करना पड़ा। बट या इसको मैं क्या नाम दूँ? ये हमारे एक टीम में परमानेंट मेंबर होने वाला है प्लस ये एक वाटर एंड आइस टाइप है, सो आई गेस मैं इसको नाम दूंगा, वेट आई गेस मैं इसको नाम दूंगा वॉली। आई डोंट नो ये मैंने क्यों दे रहा हूँ बट या फिर भी मैं इसको नाम देने वाला हूँ वॉली।
जी हाँ गाइज, हमारा वॉली हमारी टीम में आ चुका है। वेट, जी हाँ वॉली आ चुका है। वेट, इसको एक आइटम मेरे को होल्ड करने देना है, जो कि या फिर छोड़ो इसको, मैं एक्सपी शेयर अभी नहीं दूंगा, बिकॉज आज के एपिसोड में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो अभी बाकी है ना। आज के एपिसोड में हम लोगों को मसल और रोज़ी को ये करना था, रोज़ी नहीं, रॉक्सी और मसल को थोड़ा सा ये करना था। क्या करना था? ऑब्वियसली बात है, मेरे को उनको इवॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग एस्केप रूप का यूज़ करके यहाँ से निकल लेते पहले तो। ओके आई गेस अभी हम लोग यहाँ पे, मैं साइकिल का यूज़ करके यहाँ से निकल लेता हूँ पहली बात तो। रिपेल की अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस एक बार पोकेमॉन हील कर लूँगा एंड देन। आपको पता है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? जी हाँ गाइज, हम लोग जाने वाले हैं, ऑब्वियस ही बात है, हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं विक्ट्री रोड पे यार, एंड मुझे उसमें सर्फ की ज़रूरत लगने वाली है, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है सर्फ इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मेरे को आई गेस बाकी अच्छे एमस्लेव की ज़रूरत पड़ सकती है। वेट, रॉक स्मैश तो हमारे रॉक्सी के पास है, एंड अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो वो भी हमारे चीकू के पास है, बट मैंने चीकू को डिपॉजिट किया था क्या आई गेस? वेट, मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा। जी हाँ गाइज, हम लोगों ने चीकू को डिपॉजिट किया था, तो अभी मैं किसको हटाऊँ टीम से? आई गेस चीकू की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज इसके पास स्ट्रेंथ है। सो रोज़ी तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, बिकॉज हम लोगों को फ्लाई के लिए इसकी पिक्सल की ज़रूरत है, सर्फ के लिए सर्फ की ज़रूरत है, वॉली को मैं कुछ नया हमला सिखाऊंगा आई गेस, या फिर एक काम कर लेते ना, एक काम करते रहते हैं। वेट वेट वेट, हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे एंड वॉली को सर्फ सिखा देंगे, जो कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली वही तो ये ईजी होगा। वेट, मैं क्यों हमारे रोज़ी को सेक्रीफाइस करूँ? वेट गाइस, एचएम सारे आखिरी में होंगे ना आई गेस, वाटरफॉल आई गेस हम लोगों को लगेगा। क्या हमारा वॉली सीख सकता है? ऑब्वियस सी बात है, मैं वॉली को एक वाटरफॉल सिखाऊंगा और एक सर्फ सिखा के रखूंगा। ओके इसके पास कंफ्यूज रहे, आइस शार्ड में हटाने नहीं वाला, वाटर सारा हटा देते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये एक स्पेशल अटैकर पोकेमोन है। ओके ये एक स्पेशल अटैकर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। आइस शार्ड एक फिजिकल मूव है, आइस बीम ये कब सीखेगा आई डोंट नो, मेरे को कोई पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, फ़िलहाल के लिए आइस शार्ड हटा देते हैं, बिकॉज ये एक स्पेशल अटैकर पोकेमोन है। अगर ये फिजिकल अटैकर होता तो मतलब ये तो डिपेंड करता है ना, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कभी कभी, कोई बात नहीं। होपफुली, वेट वेट, और इसको सर्फ भी सिखाना पड़ेगा मुझे, एंड सर्फ तो ये ऑलरेडी सीख ही सकता है ऑब्वियस सी बात है। वॉली जल्दी सीख जा, वाटर पल्स आई गेस बॉडी स्लैम हटा देता हूँ, या फिर कन्फ्यूज हटा देते हैं, बॉडी स्लैम कभी कभी काम भी आ सकता है। ओके आई गेस माई टीम इज़ गुड टू गो नाउ, सो लेट्स गो। चीकू तो स्टार्टिंग में आ गया, हाय ब्रो, लॉन्ग टाइम नो सी। वेट, अभी हम लोग यहाँ से उड़ के जाएंगे हमारे स्टार्टिंग वाले टाउन में, यानी कि न्यू बाग टाउन। ओके हम लोगों को बता दिया था कि यहाँ से हम लोगों को ईस्ट की तरफ जाना है, यानी कि इस वाले वाटर रास्ते से, आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट वेट मैक्स रिपेल यूज़ करने का टाइम आ चुका है गाइज, एंड लेट्स गो। होपफुली अगर कोई बैटल्स, और वेट मेरे को जो काम करना है, रॉक्सी तू ऊपर आ जा ब्रो, एंड मसल तू भी ऊपर आ जा, सपोज अगर डबल बैटल वगैरह हुई तो ऑब्वियस ही बात है मुझे तुम लोगों को इवॉल्व कराना है। ओके ये कौन है बैटल करेगा? हे डू यू नो व्हाट
यू डू जस्ट डिड वॉट यू जस्ट डिड आई डोंट नो यू हैव टेकन योर फर्स्ट स्टेप इन टू कैंटो चेक योर पोके गियर मैप टू सी ओके लेट्स सी एक्स से जूम होता है ओ हाँ गाइज अ रोड दैट क्रॉसेस फ्रॉम जोटो टू कैंटो रीजन लाइक अ न्यू जर्नी ओके ओके गाइज मैं आ चुका हूँ कैंटो रीजन में दैट्स नाइस ये क्या है टोजो फॉल्स फिलहाल तो मुझे आई गेस आगे बढ़ते रहना चाहिए वेट मैं यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे क्या रखा है हु नोज ना ओके यहाँ पे एक पोकेबॉल है ओके एक रेयर कैंडी आई गेस मेरे पास दो रेयर कैंडी हो चुकी है बिकॉज लास्ट एपिसोड में भी हम लोगों को एक रेयर कैंडी मिली थी तो ए वेट ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं रेयर कैंडी मेरे पास दो है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ ना मैं कितना येड़ा हूँ यार वेट 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 गाइस मेरे को पता ही नहीं था यार मेरे पास रेयर कैंडीज है वेट दो रेयर कैंडीज तो हो गई मेरे पास तो हम उनको यूज़ क्यों नहीं कर लेते हमारे पोकेमॉन्स को यूज़ कर इवॉल्व करने में सो रॉक्सी ये ले 45 की हो गई है तो होपफुली तो इवॉल्व होगी जी हाँ गाइस रॉक्सी इवॉल्व हो रही है फाइनली इस टाइम के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था एंड गाइस मैंने बोला था इवॉल्व होता है ओके फाइनली गोलेम बन चुकी है ओके बहुत स्ट्रांग लग रही है रॉक्सी हमारी कोई अटैक सीख रही है ना ओके और एक और रेयर कैंडी यूज़ करेंगे हम लोग हमारे मसल के ऊपर 47 का हो चुकी है वो और लो गाइस ये भी इवॉल्व हो रहा है हो रही है यार इनका जेंडर ओके कोई बात नहीं ओके डैम दो पोकेमॉन इवॉल्व हो चुके हैं आज के एपिसोड में गाइस तू कोई अटैक सीख रही है क्या नहीं तू भी कोई नहीं अटैक सीख रही कोई बात नहीं मेरे को एक बार स्टैट्स चेक करने दो तुम्हारे ओके तेरी एबिलिटी है रॉक हेड और तेरी गट्सी है ओके इसका अटैक है 117 इसका 167 हो चुका है अटैक ओके डिफेंस 125 81 आई गेस ठीक ठाक है ओके चलो चलो कोई बात नहीं गाइस अभी हम लोग बिंदास जा सकते हो डैम ये क्या लग रही है रॉक्सी देखो कितनी बड़ी लग रही है हमारे पीछे बट आई गेस हम लोगों को यहीं से जाना है टोजो फॉल्स के थ्रू एंड मुझे यहाँ पे वाटरफॉल यूज़ करना है तो मैंने हमारे पॉली को सिखा भी दिया था वाटरफॉल सो या लेट्स गो आई डोंट नो आज के एपिसोड में विक्ट्री रोड में पार कर पाऊँगा कि नहीं बट मैं ट्राई तो कर सकता हूँ एटलीस्ट तो मैं अभी बैटल्स अवॉइड करूँगा मैं बैटल वगैरह नहीं करूँगा बिकॉज जिस चीज़ के लिए मैं स्टार्टिंग से वेट कर रहा था वो तो हमारा हो गया है तो यहाँ पे जितनी हो सके उतनी बैटल्स मैं अवॉइड करूँगा जस्ट लाइक दिस रिपेल खत्म कोई बात नहीं हाय दादी क्या करोगे आप वेर आर यू ऑफ टू विथ पोकेमॉन द पोकेमॉन लीग आर यू पोकेमॉन लॉयल इनफ फॉर यू टू विन लेट मी सी योर पोकेमॉन ट्रस्टेड यू वेरी मच ओके इट्स नाइस टू सी अ गुड ट्रेनर ही आर अ गिफ्ट फॉर योर जर्नी ओके TM37 आई गेस सैंडस्ट्रॉम है यस सैंडस्ट्रॉम मेरी TM की नॉलेज काफ़ी अच्छी है गाइज इट्स अ मूव दैट इनफ्लिक्ट्स डैमेज ऑन बोथ योर पोकेमॉन एंड योर फोर्स पोकेमॉन ओके However, some Pokemon such as Rock and Ground and Steel Pokemon take no damage. I know. There are other ways to avoid taking damage. I will let you figure it out. Okay, कोई बात नहीं. Okay, मैं अभी यहाँ से नीचे कूदने वाला था, but damn, मैं नहीं कूदा. Okay, let's go. यहाँ पे Wally को use करना पड़ेगा. Surf and wait. अभी एक काम करते हैं. अभी हमारे पास जो ये था ना, XP share. उसको अभी हम लोग देंगे हमारे वॉली को बिकॉज अभी मेरे को कोई चिंता नहीं है क्योंकि अभी वेट 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 रिपेल तो मैंने मारा ही नहीं था अच्छा हुआ ना वेट 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 गाइस मैक्स रिपेल ओके आई गेस आई एम गुड टू गो नाउ नाउ व्हाट ओके यहाँ पे बैटल्स आने वाली ओह डैम वेट
मैं बैटल नहीं करना चाहता तेरे साथ। बच गया मैं, ऐसे धीरे धीरे जाना ही। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, ओके ये भी डॉच कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रॉक्सी कितनी ऑसम लग रही है गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम प्लेइंग विद रॉक्सी, बिकॉज हर कोई पोकेमॉन इसको, मतलब हर कोई पोकेमॉन ट्रेनर गोलेम पोकेमॉन को एक नॉर्मल पोकेमॉन की तरह ट्रीट करता है, बट ये फर्स्ट टाइम होगा ना। ओके इसको डॉच करना तो काफ़ी ईजी था रे। वेट ओके, बच गया मैं फिर से। मैं काफ़ी सारी ट्रेनर्स को डॉच कर रहा हूँ। रूट 26, ओके ओके, रिपल ख़त्म, कोई बात नहीं। अंकल प्लीज़ ऊपर देख लो प्लीज़, अंकल प्लीज़, थैंक यू अंकल। अरे अंकल यार, कोई नहीं, गलती हो गई मेरे से। एक क्विल फिश डबल एज, क्योंकि डबल एज के का मेरा जो रॉक्सी है ना, उसकी एबिलिटी है रिकॉइल हेड ऐसे कुछ तो है, तो उसके कारण उसको ये मिलता नहीं है, क्या बोलते हैं, रिकॉइल डैमेज नहीं मिलता उसको। सो टेक्निकली देखा जाए तो रॉक्सी के लिए ये एकदम बेस्ट मूव है। एंड डबल एस हम लोग स्पैम करेंगे यहाँ पे। ओके अंकल आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? ओ मैंने वो नहीं मारा था। ओके पोनीटा, तो गाइज अभी हम लोगों को यहाँ पे कैंटो के पोकेमॉन भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अभी हम लोग कैंटो में आ चुके हैं, जो कि मैं फ़िलहाल नहीं देखना चाहता। ओके आई गेस यहीं पे जाना था। वेट ये घर में क्या है, मेरे को पहले चेक करना है। डिड यू थिंक वी आर लकी यू टू फाइंड अ प्लेस टू रेस्ट राइट वेयर यू नीड इट। ओके डोंट बी रिजर्वड, आई लुक फॉरवर्ड टू पीपल स्माइल्स, लेट यूर पोकेमॉन रेस्ट हियर। ओके थैंक यू, बाय द वे मेरे को ज़रूरत नहीं थी बिकॉज मैंने फाइट की नहीं थी कोई, बट या स्टिल थैंक यू गाइज। गाइज क्या बोल रहा हो यार, वेट ये रास्ता कहाँ पे जाता है, मेरे को थोड़ा सा चेक करने दो। ओ एक सीक्रेट हाउस, लेट्स सी यहाँ पे क्या रखा है। वेट ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पे इतने सारे बेड क्यों है। देयर समथिंग रिटन हियर, रीड इट। ओके टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी टेक प्राइड इन सर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर्स, when trainers talk to you give them something or useful, love monica, keep reading, yes monday monica route 40, tuesday tusky route 29, okay tuscany, wednesday weasley lake of rays, thursday arthur route 36, friday frida route 32, saturday santos blackthorn city, sunday sunny, okay 37। आई गेस यही कोई ट्रेनर्स है जो कि हम लोगों को फ्री में लोग कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। प्रोफेसर ओक हैज अ ग्रैंड, अरे मुझे पता है ब्रो, मुझे पता है, ऑब्वियसली बात है मुझे याद है, मैंने तेरे से नंबर शेयर किया था कि क्योंकि तू मुझे पोकेमॉन के फैक्ट्स बताएगा, बट ये सारे फैक्ट्स मुझे ऑलरेडी पता है, मैं थोड़ी ना एक न्यू ट्रेनर हूँ। ओके ये मुझे पता है इसको कैसे डॉच करना है, ऐसे सिंपल है। इसको कैसे पता मैं यहाँ पे था, मतलब ओके ठीक है कोई बात नहीं। पिकाचू, पता है गाइस ये बैटल मेरे लिए बहुत इजी होने वाली है, बिकॉज हमारे पास अभी रॉक्सी आ चुकी है जो कि फुल्ली इवॉल्व्ड है गाइस। ये मतलब ओके एक ब्लास्ट वाइज, ओके आर यू किडिंग मी, हमारी शाइनी रोजी इसको संभाल लेगी। लेट्स गो डिस्चार्ज, और वन शॉट किल कर दिया है, वॉली 21 का हो गया है। और ब्लास्टोइस को मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस गेम में, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कैंटो का पोकेमॉन है तो फर्स्ट टाइम ही देखूंगा। ओके हम लोगों को अगर आगे जाना है तो यहाँ से बैटल करके ही जाना पड़ेगा इससे, तो आ जा ब्रो बैटल कर लेता है। डबल एज, अच्छी बात यह है कि मेरी स्पीड मतलब रॉक्सी की स्पीड इनसे ज़्यादा है। ओके एक किंगलर,
अभी ये सारे कैंटो के पोकेमोन हैं, जो कि अच्छी बात है ना आई गेस। वॉली 22 का हो चुका है, रेन डांस सीख रहा है। ना रेन डांस मैं नहीं सीख, ए नहीं नहीं नहीं, नहीं सिखाना मुझे। एक फ्लेयर ही ऑन, ओके। फायर टाइप के लिए काउंटर मेरे पास रॉक्सी है, जो कि काफ़ी इजीली इनका बैंड बजा सकती है। लेट्स गो विथ रॉक ब्लास्ट। ओके रॉक्सी यार सही में तू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वाव यू आर टफ, आई हैवन बैटल दैट सीरियसली इन अ लॉन्ग टाइम। कुड आई गेट यूर नंबर, आई वुड लाइक टू बैटल अगेन आफ्टर आई, नो नो आई एम सो सॉरी, मैं से ये नहीं करता, चैरिटी नहीं करता मेरे नंबर्स की। ओके यहाँ पे इसके साथ बैटल करेंगे, आ जाओ। एक पैरासेक्ट, ओके डबल एज। एक गोल्ड डक, अरे कोई भी आने दो, आई डोंट केयर। ये क्या हो रहा है, इसके पास कोई आइटम है क्या जिसके कारण इसको ये मिलता है, बूस्ट मिलता है? ओके एक वेपेरियन, ओके रोजी आई चूज यू। ओके इनके लेवल काफी कम है बिकॉज आई डोंट नो। वेट मेरे को थोड़ा सा हीलिंग करना है मेरे पोकेमोन्स की, एंड अगर आपको याद होगा हीलिंग वाले आइटम्स तो यहाँ पे रखे थे गाइस। कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं, आई गेस मोमो मिल्क एक काफ़ी होगा। ओके डिसेंट हेल्थ मैंने बढ़ा दी रॉक्सी की, सो या लेट्स गो। अरे यार यहाँ पे बहुत सारे बैटल्स आने वाले हैं, सो या लेट्स गो एक और करेंगे। एक रैपिड डैश इस बैटल के लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे। ओके अटैक मिस, ओके फ्लैफी, अरे अच्छा मतलब ये पोकेमोन, ये मेरे पास भी था शाइनी वाला था क्या, मैं है मेरे पास अभी भी टीम में है। वॉली 24 का हो चुका है, आज के एपिसोड में वॉली को काफ़ी यू आर वेरी गुड एट बैटलिंग, ओके यू आर वेरी गुड एट बैटलिंग, वी शुड बैटल अगेन सम टाइम बाय चैलेंजिंग अ टफ ट्रेनर लाइक यू, आई थिंक आई कैन गेट बेटर टू शुड हाउ सो हाउ अबाउट इट, वुड यू गिव मी योर फोन नंबर? नहीं सॉरी दैट्स टू बैड, लेट मी नो इफ़ यू चेंज योर माइंड। कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे को देखना है नीचे क्या है, बट एटलीस्ट अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं देखूँगा। ओके ये क्या है, लीक में पहुँच गया मैं। ओनली ट्रेनर्स हु हैव प्रूवन देमसेल्फ मे पास द 8 बैजेस ऑफ जोटो, प्लीज़ गो राइट। ओके राइट जाना है ना मुझे, राइट कौन सा होता है? ओके ये वाला राइट होगा, होल्ड देयर दिस वे लीड्स टू कैंटो बट दिस पाथ ब्लॉक फॉर द टाइम बीइंग आई एम अफ्रेड। ओके राइट ये होता है क्या, दिस वे लीड्स टू माउंट सिल्वर, यू विल सी स्कैरी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन आउट देयर, ओके यू आर नॉट रेडी फॉर इट। वो राइट बोली थी यार मुझे, आई गेस सीधा जाना है मुझे। ओके अभी जाके मैं विक्ट्री रोड पे आ चुका हूँ गाइस। ओके वेट मेरे को यहाँ पे मैक्स रिपेल की जरूरत पड़ने वाली है, एंड मेरे पास आई गेस सारे पोकेमोन से नेसेसरी पोकेमोन जो कि मेरे को इसमें लगेंगे, सो या आई गेस आई एम गोइंग टू डू दिस पजल। ए वेट अब क्या करूँ मैं, मुझे नहीं समझा मेरे को करना क्या था। ओके समझ गया यार, मैं भी कितना भूला हूँ यार, कोई बात नहीं मैं सीधा ढकेल दिया उसको, बट मेरे को यहाँ पे एक्चुअली ऐसा ढकेलना था। एंड मैं बोलता हूँ मैं पजल सॉल्व करने में अच्छा हूँ, क्या ओंकार क्या कर रहा है, खुद की नाक कटा रहा है, लेकिन नेवर माइंड। एक पोशन, आर यू सीरियस, एक पोशन का क्या करूँगा मैं, कोई बात नहीं लेट्स सी, मेरे को फिगर आउट करने में काफ़ी मजा आता है।
एक फुल हील। ओके, यहाँ पे कुछ नीचे रखा? नहीं, नीचे तो कुछ नहीं रखा। ओके, एक और बार मार लेंगे मैक्स रिपेल। यहाँ पे पक्का कुछ होगा, मुझे लगा ही था, क्योंकि जब भी कॉर्नर पे कोई रास्ता होता है और वहाँ पे अगर कोई पत्थर है ना गाइस, तो मेक श्योर टू चेक दैट पत्थर, बिकॉज ऐसे कोई भी फालतू में कोई ऐसा पत्थर नहीं रखता। ओके, मुझे पता नहीं मैं सही भी जा रहा हूँ कि नहीं, बट लेट्स सी। अरे चल भाई ऊपर चल। ओके, अभी मुझे समझा, यहाँ पे कोई पजल वगैरह वाला काम है। कोई तो पजल, ओके आई गेस मैं समझ गया मुझे क्या करना है, बट नहीं आई डोंट थिंक मैं समझ गया, बिकॉज अगर मैं उस पत्थर को उस साइड खिसकाऊंगा तो वो रास्ता तो ब्लॉक हो जाएगा। आई डोंट नो मुझे कहाँ पे जाना है, मैं फिलहाल तो बस ऐसे फिगर आउट कर रहा हूँ, या फिर ट्राई कर रहा हूँ फिगर आउट करने का। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जो कि मुझे एक्सप्लोर करने हैं, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ से जा नहीं सकता? ओके, यहाँ से जा सकता हूँ मैं। ओके, ए वहाँ पे एक एग्जिट दिख तो रही है मुझे। क्या मैं अल्ट्रा अल्ट्रा नहीं, क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो, बट या ट्राई करने में क्या जा रहा है। ओके, यहाँ पे ये बहुत सारे आइटम्स मिल रहे हैं यार, ये थोड़ा ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, जितना मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है ये। नाउ व्हाट? ओके, मेरे को इन सबको तोड़ना ही पड़ेगा अगर मेरे को वो चेक करना है क्या है उसके आजू बाजू। ओके, आर यू सीरियस? मैंने मैक्स रिपेल मार के रखा है। इसको जल्दी जल्दी तोड़ेंगे। ये क्या है? मैंने मैक्स रिपेल मार के रखा है। अरे सीरियस, वाई भाई पोकेमोन क्यों आ रहे हो तुम लोग? ओके, कुछ तो वर्दी मिला, TM79 डार्क पर्ल्स। ये मैं किसी पोकेमोन को सिखा दूंगा, एंड आई गेस यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं। वेट, ओके ओके ओके, होल्ड इट। आर यू गोइंग टू चैलेंज द पोकेमोन लीग? विक्ट्री रोड इज एट इट्स एंड फॉर श्योर, बट डिड यू नोटिस यू डिडेंट सी एनी रियल ट्रेनर्स ऑन द वे? डिड यू? मैन, दे वेर ऑल स्पाइनलेस। ओके, वेल द फैक्ट दैट यू हैव कम दिस फार मीन्स यू आर नॉट वन ऑफ देम, बट योर जर्नी एंड्स हियर। हाँ गाइज, क्या आप लोगों ने एक नोटिस किया? एक भी ट्रेनर मुझे मिला नहीं विक्ट्री रोड पर। बिकॉज राइट हियर राइट नाउ आई विल क्रश यू। आज जा सिंडी, आई एम रेडी। ओके स्नीजल, आई एम गोइंग टू किल यू विथ रॉक स्मैश। ओके, पहला पोकेमोन डाउन। आई गेस कीप बैटलिंग। अर्थक्वेक, इसके पोकेमोन के लेवल बहुत कम है यार, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली मेरे पोकेमोन के साथ। एक हॉन्टर, आर यू सीरियस पिक्सल? बाइट, ओके एक कड़ाबरा। ओके, मतलब इसके टीम में अलग एग्जाम भी होने वाला है जो कि काफ़ी दिक्कत दे सकता है मुझे आगे जाके। वॉलेट 25 का हो चुका है, और लास्ट बट द नॉट लीस्ट टाइफ्लोजन, सो आई एम गोइंग टू चूज रॉक्सी अगेन। ओके, ये लेवल 40 का है। लावा प्लूम कुछ नहीं होगा मुझे। ओके, बन हो गया, बन हो गई रॉक्सी हमारी। ओह, इसने सरवाइव कैसे कर लिया? आई डोंट नो। एक फुल रिस्टोर है, यूज़ कर लूँगा।
आई नो आप लोग बोल सकते हो कि तूने वेस्ट क्यों किया फुल रिस्टोर, बट डोंट वरी गाइज, हम लोग फिर से खरीद लेंगे। अरे फिर से बर्न कर दिया, अरे दैट्स नॉट फेयर। फुल हील, ओके फाइन। आई गेस तू चाहता ही है मैं मेरा मसल बाहर निकालूं। सो या वेक अप स्लैब, कुछ नया ट्राई करेंगे। एक गोल बैट, गोल बैट के लिए यूज करेंगे रोजी। कंफ्यूज रहे, ओके हाँ इसकी स्पीड थोड़ी कम है, क्या करें। बट या हो गया, हम लोगों ने इसको हरा दिया। आई कुडंट विन, ओके आई गेव इट एवरीथिंग आई हैड, बट यू पोजेस एंड वॉट आई लैक। आई एम ओके दैट ड्रैगन टेमर, ओके कुछ तो बात कर रहा था वो। आई हैवंट गिवन अप ऑन बिकमिंग द ग्रेटेस्ट ट्रेनर, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वाई आई कांट विन एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। वैन आई डू आई विल चैलेंज यू, आई विल बीट यू डाउन विथ ऑल माई पावर, यू कीप एट इट अनटिल देन, ओके ओके गाइज। मेरे पीछे हमारी मसल खड़ी है। लायरा क्यों कॉल कर दिया, क्या हुआ? अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं हुई ना, मैं तेरा कभी कॉल नहीं उठाऊंगा। हेलो दिस इज़ लायरा, हाउ आर यू? हे यू नो हाउ देयर सो मच टी टॉल ग्रास ऑन रूट 46? वेल द पोकेमॉन यू हैव विथ यू ऑल्सो बिकम वरीड अबाउट देन द वाइल्ड पोकेमॉन विल कम। अच्छा अच्छा, ये सब फालतू वाली बातें बताती है, मुझे लगा था कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, बट या नेवर माइंड। ओके इंडिगो प्लेटो में आ चुके हम लोग। कभी कभी हो जाता है गाइज, मैं गलती से कुछ भी बोल देता हूँ तो उसको इग्नोर करो गाइज। फिलहाल हम लोग विक्ट्री रोड पार करके आ चुके हैं, बट एक भी ट्रेनर मुझे दिखा नहीं वहाँ पे, जो कि अच्छी बात है आई गेस। बट या आज का एपिसोड काफ़ी बड़ा हो चुका है, लिटरली काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आज के एपिसोड में यही एंड कर रहा हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। होपफुली आपको आज का एपिसोड पसंद आया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, एंड बाय बाय।